आप लोग से राय लेके खरीदेंगे। और थोड़ा एक चीज अभी बताइए ना गांधी जी, मम्मी क्या बोली। और ब्लॉग द्वारा एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कल ना, केक काटने से पहले जो शादी होने वाला है ना नगांती जी का छोटा देव और मेरा छोटा भाई का सबसे, तो नगांती जी कुमकुम लगाई जैसे सब बच्चों को लगाई, मेरे को भी लगाई और मिथुन हाँ। आकाश विकास जो भी आए थे सभी बच्चों को लगाई। हाँ तो वही बाइक, हाँ बाइक का चाबी दे दी। तो नगांती जी कह रही है ना कितने कमेंट आता है, इधर देख सकते हैं हमारे साली साहब कैसे मसाला पीस रही है अंधेरे में। तो अभी जो कहानी सुनाई थी अभी खत्म नहीं हुआ कैसे, तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या बना रही है नगांती जी शीला जी। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल बीजे विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अरे एक बार सुनो। हाँ मैं तो आपके घर पे आई थी आज, तो आप ऐसे थे मैं नहीं बोले दोस्तों में। अच्छा अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर हुए जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो डाले ब्लॉग डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आज के वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखिए। क्या बोल रहे हैं बेटा? अरे आप क्यों नहीं बोले, मैं अभी तो आई थी आपके घर पे। तो ये तो आप ही का घर है, आपके भाइयों का घर है और आपका भी घर है, जाओ खेलो और पढ़ो। नहीं भाई तो खेलते खाली। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी शाम हो गया, मिथुन काजल नगांती जी अभी तक आई नहीं है, फोन किया था तो अभी बाइक चला रहे हैं, रास्ते में है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। इधर देख सकते हैं अभी कैसे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, खेलेंगे तो थोड़ा बहुत शरीर में गर्मी रहेगा। इधर देखिए मानसी, कौन सी खेला खेल रहे हो आप लोग? अच्छा दौड़तिया दौड़ किया खेल। अभी कुहासा ना नॉर्मल है, लेकिन देखिए कैसे हो रहा है। एक बार अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ दोस्तों, 5 करीब हो रहा है, 5:10 हो रहा है, आप फिर भी देख सकते हैं अभी सूरज भगवान तो डूब ही गए लेकिन अच्छा आप अभी छोटी बच्ची हो ना इसीलिए हरा दे रहे हैं आपको, और बड़ी हो जाओगे तो नहीं हराएगी। ये बीजे भी एक साथ खेलो, बीजे भी एक साथ। और बहुत खुशी मिला दोस्तों आप लोग का आशीर्वाद इतना मिला व्यूज के रूप में और कमेंट द्वारा कितना सारा, दिल से धन्यवाद। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा हमारे ऑल यूट्यूब फैमिली एकदम स्वस्थ रहे, खुश रहे अपने अपने जीवन में। देख सकते हैं अभी शाम हो गया, चलिए मैं अभी इंतज़ार करता हूँ नगांती जी का आने का, देखता हूँ। साली साहब है अभी तो इनके लिए नगांती जी बोली थी जो मंगा दिया हूँ मार्केट से, बीजे जाके लिया दिया, अभी चलते हैं किचन में, लाइट आ जाता है उसके बाद बनाएंगे, लाइट कटा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों बिहार का जो लाइट है ना ऐसा टाइम पे कटता है जब खाना बनाने का टाइम हो, नहीं तो अभी तक ना नगांती और मिथुन काजल का आने से पहले ही हम लोग खाना वाना रेडी कर लिए होते ना मनसी। अब चलो यहीं पे आ जाओ द्वार पर, उधर उधर मत खेलो, अंधेरा ज़्यादा हो गया। तो अभी पापा आएंगे, आपके मम्मी आएंगे, चले जाना मेरी लालन, जाओ तब तक भैया के साथ बैठ के पढ़ो, जाओ खेलो। अच्छा रो, अच्छा ठीक है, मानसी को मत हराओ, ठीक है। हाँ धीरे धीरे खेलो। इधर देख सकते हैं अभी छोड़ दो करण, साली साहब को ठंडा लग रहा है क्या? और दोस्तों कमेंट बताइएगा हमारे सबसे छोटी साली कैसी है, एकदम नगांती जी जैसी है, सेम शक्ल मिलता है। अभी देखिए आग जला रहे हैं, थोड़ा हाथ से लेते हैं, उसके बाद लाइट आता है फिर चलेंगे घर में, क्योंकि ना बिल्कुल अंधेरा हो गया दोस्तों, अंधे घर में घुसा भी नहीं जा रहा, और सोलर वाला है ना कुहासा जैसे आ रहा है तो बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, उसका भी कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। मानसी ठंड लग रहा है, मेरे लल्लू को ठंड लग रहा है, स्वेटर आओ इधर आ जाओ, आग तापेंगे, कहे दूर से आग तापना, धुआं आँख में जा रहा है। तो अभी आग जला नहीं तब तक धुआं जाने लगा आँख में, कितना उल्लू बना देती है बड़े पापा को मानसी। तो ये पुआल जो लिया थे, हाथ एकदम दूर करके, हाँ करण वैसे हाथ मत से दो,
दूर करके ऐसी थोड़ा आग जला लो थोड़ा सा। अभी ना आज ठंड उतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है, सुबह से धूप उगा था ना तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन शाम को थोड़ा बहुत तो ठंड लगता है। ये देखिए दूर दूर होकर आग तापो, आओ साल से अभी आग ताप लो, आ जाओ। हाँ लिया साल ओढ़ा दो मानसी को। मानसी ठंड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। आ रहे हैं आपके पापा किधर किधर, नहीं दिखाई दे रहे। अरे मानसी कितना खुश हो रही है, पापा इनके कान दिख गए। बाइक पहचान जाती हो? हाँ। देख सकते हो अभी पापा के आते कितना खुश हो गए। ये देखिए देवर भौजी आ गए, क्या क्या खरीदे हैं जी? बाप रे उतना खेल रहे हैं लोग, ठंड लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई सामान खरीदे ना उसमें अलग से गिफ्ट मिला होगा 100%। नहीं तो नागांती जी 500 रुपया खर्च करे में मान ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जो बोला था मैं मंगा दिया हूँ, सब चीज रेडी है, बस लाइट कट गया, नहीं तो अभी तक खाना बन गया होता। बाप रे मानसी को पता ही नहीं चढ़ा के लाइट बार बार क्यों कटता है। कहा आज ठंड, आज उतना ठंड नहीं। अब बीजे कितना खुश हुआ गिफ्ट पाके, अब स्कूल में लेके जाएगा पानी ना, तो इनके दोस्त देख के खुश हो जाएंगे। देख सकते अभी तक लाइट नहीं आया है। इधर देखिए नागांती जी आके आग तापने लगी। बाय बाय, सुबह फिर आना ठीक। देख सकते आते ही वीडियो एडिट करना शुरू कर दी, कि टाइम से हमारा फैमिली के पास पहुँचे तो अच्छा लगे, क्योंकि इंतज़ार कर रहे होंगे ना जी। अब बहुत सारा बात करनी है दोस्तों, जो आज क्या फैसला हुआ वो बताएंगे नागांती जी। थोड़ा लाइट आ जाता है तो क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए, एक मिनट लगेगा। इधर देख सकते परेशान है बच्चे लाइट के बगैर, नहीं तो अभी तक बैठ के पढ़ते होते हैं हमारे बच्चे। अच्छा नागांती जी छोड़ा, आप आशीला एक साथ खड़ा होइएगा, बिल्कुल टू कॉपी है आपका। आप बड़ी होगी ना शीला, एकदम नागांती जी जैसे लगेंगी। हाँ बताइए। बाप रे आज हमारे यूट्यूब फैमिली नागांती जी के मुँह कहानी सुनेंगे, बताइए सुनाइए। एक मेहमान थे दमाद, तब ससुराल गए थे, तो सब लोग पूछा जे का खाएं बाबू। अच्छा हिंदी में बोलिए नहीं तो भोजपुरी। अच्छा ठीक है, तो कहो तो कुछ भी बना दीजिए। तो उसको साली गई थी, बाबू थोड़ा दूर हो के और दूर हो जाओ। तो उसको साली पूछी जे जे का खाएं। अच्छा जैसे ये दाल भात खाएं आके घुसका घुसकी। अच्छा अच्छा तो उसके जीजा सोच में पड़ गए घुसका घुसकी क्या होता है, वो कौन खाना है, मैं तो कभी खाया नहीं। तो बोला ठीक है, वो दाल भात रोज खाते हैं, आज घुसका घुसकी खाएंगे वो कैसे बनता है। आगे पूरा लिया के रख दिए, आगे बैठ के तब हो गया घुसका घुसकी। जब धार लगता था तो घुसुक जाते थे, नहीं लगता था जब बुझ जाता था पास में। ये बात सुन के जरूर हमारा YouTube फैमिली हंसेगी इस बात पे, और बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं पहले सुनी थी कहानी। बाप रे ये देखिए साली साहब को ज्यादा ठंड लग रहा है का जी, क्या आपके दीदी को लग रहा है? इनके दीदी आई है ना, तो बाप रे कितना सेवा कर रही है। अभी बाइक से आई है तो इनको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रहा है नागांती जी।
जलाइए। अभी तक लाइट नहीं आया दोस्तों, बहुत आधा घंटा और हो गया, 3 घंटा हो गया लाइट कटे हुए। तो अभी जो कहानी सुनाई थी अभी खत्म नहीं हुआ, कैसे जी? कैसे मतलब ना, आग तापते तापते आधा रात हो गया ना। अच्छा, आग तापते तापते यही ठंड का मौसम था ना। तो उसके बाद उसको भूख लगा तो सोचा अभी तक तो कोई खाना खाने के नहीं पूछ रहे हमको। ऐसे सोच रहे कब तक लाएंगे, तो सभी लोग सो गए, वो तो सोचे जे घुसते घुसते तो खा ही रहे हैं आगे। तो सोने के बाद उसको जब भूख बहुत तेज लगा, रात में हुआ था ना, तो सब लोग सो गए, तो धीरे धीरे किचन में गए। किचन में जाने के बाद बर्तन उठाया ना, तो ढबढबाने लगा बर्तन। अब जो जिसको मालूम होता है ना बर्तन कौन सा नाम कहाँ रखते हैं, हाँ, तो वही तो उठा सकते हैं। हाँ, ये हकीकत है, ये हकीकत। तो कोई जाएगा तो ढबर ढबर करेगा फिर। चलिए अब ना बताए हम। हाँ, तो इतना कुछ तो, हंसी मजाक तो चलते रहता है। तो ये था कहावत। पहले के लोग ना जैसे पढ़ाई नहीं करते थे तो कहावत में थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते थे। अभी के लोग को पता ना अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा ना जी। देख सकते दोस्तों लाइट आ चुका है, अभी कितना खुश हो रहे बच्चे। जाओ बैठ के पढ़ो, ठीक है? हम साली साहब चल रहे खाना बनाने, आप बाइक चाहिए तो आराम करिए, ठीक है? क्या क्या खाना बनेगा वो दिखाएंगे आपको, बहुत खुशी मिलेगी आप लोगों को दोस्तों। और ब्लॉग द्वारा एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कल ना, केक काटने से पहले जो शादी होने वाला है ना नगांती जी का, छोटा देव और मेरा छोटा भाई का, सबसे तो नगांती जी कुमकुम लगाई, जैसे सब बच्चों को लगाई, मेरे को भी लगाई, और मिथुन आकाश विकास जो भी आए थे सभी बच्चों को लगाई। हाँ, तो ऐसे मजाक में की ना जी, मेरे को नेक दीजिए, तो वही बाइक। हाँ, बाइक का चाबी दे दी, ले लीजिए, ले लीजिए चाबी मेरे को, आज सुबह लेके चल गए। क्योंकि ना हमें बाइक चलाना आता है ना नगांती जी को, लेकिन नगांती जी एक चीज कह रही है दोस्तों कि स्कूटी आप थोड़ा किन दीजिए सेकंड हैंड, मैं चलाना सीख जाऊंगी। जैसे कभी जाती रहती है ना माता रानी के दरबार पे अपने नैहर माई के, तो सीख जाएंगी तो सही रहेगा। और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कभी हम लोग सीखना सीखे कि नहीं सीखे, कि हम लोग सोचते साइकिल भी नहीं चला पाती हूँ दोस्तों, कभी नहीं चलाई। अब मैं तो केवल साइकिल चलाता हूँ, बाइक कोई कभी चलाया ही नहीं हूँ, तो कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोग का अगर आशीर्वाद रहा तो हम लोग शायद चलाना भी सीख जाएंगे। और छोटा सा तो खरीद ही लेंगे 2-3 महीना में, ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे वो नहीं थाना वाना में क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक आदमी खरीदे थे, तो इसीलिए हम लोग देखे हैं ना, उनका सही है, कम पैसा में मिल भी गया था, और कागज़ पत्र शायद मिल जाता है, तो आप लोग से राय लेके खरीदेंगे। और थोड़ा एक चीज अभी बताइए ना गांधी जी, मम्मी क्या बोली? लाइट आते ही अपना बैग वो ढूंढने लगे किताब कॉपी का। आ करण को भी बैठा उधर कोना में, अलग अलग बैठ के पढ़ना, ठीक है विकास? आ देखिए आकाश पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा साली साहबा खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, और ना गांधी जी से टेस्टीदार तो हमारे साली साहबा खाना बनाना सीख गई हैं जी। सारी काम घर के जितना सारा काम था, तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या बना रही है नगांती जी, शीला जी। अभी पहले एक चीज़ आपसे शो करना था, क्योंकि हमारे मम्मी क्या फैसला करके गई है हमारे दोनों भाई के बीच और नगांती जी के बीच, मैंने हम यहाँ जो भी है ना काजल मिथुन मैं और नगांती जी सबको बता के गई हैं। अभी नगांती जी अपने मुँह से बताएंगी जो आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं भी आऊँ जी कैमरा में, करें बैठ के ही सुनाऊंगी, खड़ा होकर नहीं, क्योंकि वो सुबह निकली हैं तो इतना ठंड में ना कुहासा भी है, और किस काम से गए थे तो वो तो उनके चैनल में दिख ही जाएगा। बिछावनवा पाला हो ना जी। हाँ, तो इधर से ना सकते कितना भी है तो इधर से हवा आते रहता है ना, सुबह सुबह इसमें पानी अथी होता भर जाता है। वो तो उस भगवान का शुक्र है कि एक सिस्टर ने थोड़ा बहुत हेल्प करी थी, तो ये टीन रखा गया था ना जी, आप बहुत राहत है, नहीं तो हम लोग का एक ही छोटा सा घर बहुत ज़्यादा परेशानी होता, देख सकते। अभी ये मिथुन लेके गया नहीं है, बोला कि वहाँ से आऊँगा ना उसके बाद लेके जाऊँगा। तो बताइए जी क्या बोल बता दे रहे, बताओ ना रोज नहीं आप, आ, आप आ, ना, 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 हम बताओ नहीं रोज तब ना बताई, नहीं नहीं बिल्कुल आप बताइए आपसे। तो नगांती जी कह रही है ना, कितने कमेंट आता है कि थोड़ा नगांती जी जो बात बोलती है वो कुछ समझ में नहीं आ पाता है, तो कोई नहीं मैं बताता हूँ, मेरे साथ ही बताएं कि आपके मम्मी ऐसे ऐसे है।
आलो जी दोस्तों, लाइट भी कट गया फिर से, अभी आ जाएगा। चलिए लाइट आता है उसके बाद बताते हैं। इधर देख सकते हैं हमारे साली साहब कैसे मसाला पीस रही है अंधेरे में। अभी लाइट कट गया, लाइट आया था ना। चलिए मसाला पीस लेती जब तक मैं लाइट भी दिखाता हूँ। कैसा लगा शीला जी हमारा घर? अच्छा है। चलिए इधर देखिए, आगे नगांती जी चावल बैठा दीजिए ना, क्योंकि ना लाइट नहीं रहेगा तो बच्चे जल्दी सो जाएंगे। सोना मत बेटा, बैठ के पढ़ो आप लोग, ठीक है? तब तक हम लोग बस जल्दी रेडी कर लेते हैं, चावल ही बना लेते हैं दोस्तों। इधर देख सकते हैं चावल धुल रही हैं। थोड़ा और डाल दीजिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, बचेगा तो सुबह खा लेंगे ना, थोड़ा सा और। बस बस हो जाएगा। मैं साली साहब का टॉर्च दिखा रहा हूँ, आप मसाला पीस रही साली साहब। लाइट देख सकते कट चुका है, देखते फिर कब तक आता है, कोई प्रॉब्लम होगा इसीलिए आज ज़्यादा कटा है। तो दोस्तों लग रहा है आज लाइट ना हम क्या बना रहे रेसिपी के तौर पे नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार लाइट कट रहा है, आप लोग अच्छा नहीं लगेगा। और मम्मी जो भी बताई हैं बहुत अच्छी बात बोल के गई हैं कि जिसके पास जितना हो उतना देना। आप मिथुन से खास करके बोलिए कि थोड़ा आप ज़्यादा करके देना, के कैसे व्यवस्था करके बाद में हम लोग मिलजुल के जो भी थोड़ा बहुत होगा हर एक महीना करके चुका देंगे, किसी पे ज़्यादा परेशानी ना होगा। तो बहुत अच्छी समस्या का हल निकाल के गई हैं। चलिए दोस्तों आज की ब्लॉग कैसा लगा, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को हमें छोटा सा खुशियाँ छोटे छोटे बच्चों का देख के और नगांती जी का हंसी मुस्कुराहट जो कहानी कही है वो भी बहुत अच्छा लगा होगा। बचपन में ना सुनाते थे हमारे बड़े बुजुर्ग तो थोड़ा बहुत याद रहता है, अब मैं तो खैर अपने भूल ही गया हूँ। मैं भी बहुत बचपन में सुना हूँ, कभी मैं भी सुनाऊंगा आप लोग को, बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा ब्लॉग दोस्तों जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। क्या क्या अभी हमारे यहाँ बन रहा है रेसिपी के तौर पे वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखना। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक टुक 1632, हम वहाँ से आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक ब्लॉग वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।